सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले। तो यहाँ पर मैं इजीली कंपाउंड में उतर रहा हूँ एंड ये जोन के मतलब प्लेन पाथ के बहुत क्लोज है। तो यार उतरते हैं फटाफट एंड देखते हैं। वैसे तो कोई उतरता नहीं है ऐसे कंपाउंड्स में, क्योंकि यहाँ पर मेरे को व्हीकल भी मिल जाता है, देखो खड़े हैं पीछे। एंड यहाँ पर लूट कभी कभी नहीं मिलती जैसे कि इस गेम में होगा। तो यार मैं यहाँ से फटाफट से लूट लेता हूँ, ठीक है। तो यार देखो, सब कुछ लूटने के बाद मुझे मिला पिस्टल एंड शॉटगन। एंड उसके बाद यार मैं शेक पे आराम से बैठा रहता हूँ कि थोड़ा सा सुन जाए एंड उसके बाद मैं कहीं जाऊँ लूटने भी। तो यहाँ पर तुरंत आता है मेरे को साउंड, जैसे साउंड आता है तुम्हारा भाई भी सतर्क हो जाता है एकदम। तो यार साउंड आ रहा होता है रोड से बंदे के आने का, एंड जैसे ही मैं इसे देखता हूँ मैंने कहा भागो भाई, कुछ गन वगैरह वैसे नहीं है। एंड इन भाई साहब को देखो, शायद से पिस्टल इसके हाथ में गलती से आ गई होगी एंड कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये कर देता मेरे पे रश। एंड भाई यहाँ पर मेरे को इतना गंदी तरह से डर लगता है कि भाई 30 UC का ना सत्यानाश हो जाएगा। एंड नो वर्ड्स भाई, कहाँ से आते हैं ये लोग आई डोंट नो। लेकिन यार सैड फील भी हो रहा है यार इस बंदे के लिए, लेकिन क्या कर सकते हैं, इट्स अ गेम। क्योंकि यार देखो यार, अब यूं तो नहीं सब जिंदा रहोगे और सब चिकन निकल लेंगे, मरता है भाई जब भी तो जी सकते हो आप। तो यार बस ऐसे ही था, यहाँ पर एक बंदा मैंने किल कर दिया। एंड यार लूट नहीं थी फिर भी, इस बंदे पे भी नहीं थी एंड मेरे पे भी नहीं थी। तो यार मैंने डिसाइड करा व्हीकल उठाने की, एंड पहले तो बाइक छोड़ के डासिया ले लेता हूँ। डासिया यहाँ खड़ी थी एंड इस रोड पे देखो एक आगे भी खड़ी है एंड एक यहाँ पर भी है। तो यार हमारी बाइक कुछ ज़्यादा ही खतरनाक है, डासिया को पलट रही है। तो फिर यार मैंने सोचा कि चलो थोड़े से और कंपाउंड्स लूट लूँ, क्योंकि लूट नहीं थी एंड ऑटो गन तो थी नहीं। तो मैंने यहाँ लूटा एंड यहाँ पर मेरे को मिल गई शॉर्ट गन यानी कैस्ट्रोल की एंड बैरल। बैरल है कौन सी, हाँ बैरल है। एंड बैरल एंड शॉट गन मिल गई। अब बारी थी ड्रॉप की। ड्रॉप हंटिंग आजकल मैं कर रहा हूँ अपनी ये ड्रॉप्स में, अपने मैचेस में। ओके सो यार यहाँ पर आजकल पता क्या सीन चल रहा है मेरे साथ, जब मैं रिकॉर्डिंग करके नहीं खेलता तो मेरा गेम प्ले मतलब कि बहुत अच्छा जाता है मैं सही बताऊँ तो। लेकिन जब मैं रिकॉर्डिंग करके खेलता हूँ तब मैं किल्स तो निकाल लेता हूँ, लेकिन यार चिकन डिनर नहीं निकाल पाता, उसके मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो यहाँ पर एक ड्रॉप गिरी थी तो मैं फटाफट से आ गया एंड बूम डासिया। बड़ी ही बेकार गाड़ी है भाई, बग्गी इससे अच्छी तो भाई बग्गी है। बग्गी का अगर टायर ना फूटे तो बग्गी सही है नहीं। यहाँ देखो भाई साहब पता नहीं क्या होगा, लेकिन मेरे को तो लूटनी थी ड्रॉप, तो मैं फटाफट से ड्रॉप पे गया। एंड दिल में मेरे ये थी कि ओम मिल जाए बस, कुछ और नहीं चाहिए, ओम या फिर एंड सारे अरमानों पे पानी फिरते हुए। भाई सबसे बुरी गन ना ड्रॉप की एक ही है, पहले जब DPS ड्रॉप में आती थी तब वो बुरी थी, लेकिन अब बुरी नहीं लगती क्योंकि हम मर जाते हैं DPS से भी। लेकिन ओक तो भाई सही में मुझे बुरी लगती है। आप कमेंट करके बताओ कि आपकी फेवरेट एयर ड्रॉप वेपन कौन सा है। आई नो MK14 होगी सोलो में तो। सो यार यहाँ पर भी मैंने कंपाउंड्स लूटे एंड यहीं पर होल्ड करा। तो यहाँ पर सब चीज़ लूटने के बाद अब आती है रियल फाइट, नहीं रियल रेसिंग। आपको यकीन नहीं आ रहा, अभी देखो कैसे रेस लगाते हुए दो बंदे ऐसे बग्गी भगाएंगे जैसे यहाँ पर टूर्नामेंट चल रहा हो बग्गी रेसिंग का। सो यहाँ देखो, देख रहे हो भाई साहब रेस लगा रहे हैं भाई। टीम अप वाले भाई बहुत ज़्यादा मिलते हैं जो बात है यार। मैं हमारी टीम अप नहीं, पहले पता तो मैं खेलता ही नहीं टीम अप करके, बिकॉज यार बैन का थोड़ा डर रहता है। यहाँ फाइट हुई है एंड इस भाई की मुंडी दिख रही है एंड देखते ही छुपा ली मुंडी। ओ भाई मारो मुझे मारो। तो यहाँ पर एक बार स्प्रे करके देखते हैं स्प्रे। भाई साहब क्या स्प्रे करा है मैंने, 3-4 किल एक साथ मिल गई मेरे को। सो अब यहाँ पर रश हुआ मेरे पे, यहाँ पर मैं कैंप कर रहा था, आप कह सकते हो कैंप पर, क्योंकि मैं कैंप ही कर रहा हूँ। एंड यहाँ पर टीम अप वाले मेरे पे रश करते हैं, तो इन भाई सबको थोड़ा सा देर में साउंड आया कि मैंने इन पे झटका दिया। अब दूसरा भी मेरे पे रश कर रहा था तो मैंने नेड करा जिससे कि यार मैं हील कर लूँ, लेकिन यार ये बंदा होता है बहुत हरामी टाइप। तो मैं पहला नेट करता हूँ एंड दूसरा भी नेट कर देता हूँ साथ के साथ कि वो ऊपर ना आ जाए। सो पहले मेरे को आता है बाहर का साउंड कि बाहर बंदा है, लेकिन यार ये अंदर भी होता है एंड आई डोंट नो कि क्या हो रहा था सीन। इतने में ये भाई साहब ऊपर आ जाते हैं एंड मैं जैसे ही इन्हें हेड देता हूँ ना तो भाई तुरंत नीचे भाग जाते हैं। अब हम भी हील करेंगे जब वो नीचे चले गए एंड वो भाई साहब भी हील कर रहे हैं आराम से। एंड आई डोंट नो कि यार जो साउंड था वो बाहर से आ रहा था लेकिन ये बंदा अंदर था, सीन क्या हुआ पता नहीं। लेकिन अब मेरे को ये पता था कि ये कहाँ पर है। जब भी कहते हैं कि भाई जो आपका ईयरफोन्स हो या हेडफोन्स हो उसका साउंड पहचानना सीखो, तो यहाँ पर मेरे को पता था ये यहीं है एंड बूम
समझ गए। लेकिन यार अभी भी साउंड आ रहा था बंदे का, तो यार मुझे कंफर्म नहीं था कहाँ है। अब आया साउंड क्लियर कि वो है अंदर वाले कमरे में। तो अब तुम्हारे भाई का नेट तुम्हें पता है कैसा जाएगा, कैसा जाएगा, खाली जाएगा और कैसा जाएगा, यानी कि वो अंदर वाले कमरे में नहीं, अंदर ही शेक है उसके अंदर है। एंड जैसे मैंने नेट करा भाई साहब को याद आया भागना था, लेकिन यार टाइमिंग नेट फेंकते हैं ना फ़ायदा होता है। सो यहाँ पर मुझे मिली टोटल 4 किल। एंड यहाँ मैंने अब देखो सर्वाइव करा क्योंकि जोन था थर्ड एंड जोन मेरे पे था, तो थोड़ा सा होल्ड करना पड़ता है, लेकिन व्हीकल नहीं था मेरे पे। सो यहाँ मैंने थोड़ा सा होल्ड करा, जोन जाने का वेट करा, इनकी जो क्रेट्स थी वो लूटी आराम से, तीनों क्रेट्स लूटी भाई मज़े से। लूट क्या था, कुछ भी नहीं था, लेकिन मेरा जो कॉम्बो था स्कारल एंड M762 वो मिल गया था। और क्या चाहिए, चिकन डिनर चाहिए, लेकिन वो हमारे नसीब में कभी है नहीं क्योंकि हर हमारे पास है लो एंड डिवाइस प्लेयर। एंड यार मुझे भी ऐसा लगता है कि आपके पास भी होगा, क्योंकि यार आप जब बोनस चैलेंज से यूसी कमा रहे हो तो आप यूँ तो नहीं कि आप OnePlus 8T या फिर iPhone 11 Pro में खेल रहे होंगे। कुछ भी हो सकता है भाई, किसी पर भी कोई सा भी डिवाइस हो सकता है, लेकिन बंदे जो है ना बताते नहीं है कि उन पर कौन सा है। जैसे कि मेरे पास है iPhone 12 Pro Max, शायद iPhone 12 Pro Max आता नहीं है, पता नहीं आता है कि नहीं। चलो हमें क्या करना, हमें ना खरीदना नाम पे इतने पैसे जो हम खरीद सकें। तो यार अब देखो बात ऐसी थी, जोन जाना था एंड यहाँ पर एक व्हीकल पे मेरी नज़र थी, तो यार क्या करें, जोन तो फिर भी जाना पड़ेगा। तो मैं जोन निकल गया फटाफट से, लेकिन हमारे से जोन फिर से और आगे गया। एंड अब बारी थी, ये भाई साहब हमें देख रहे थे पिक करके, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि हमारे पे भी 6x है। तो मैंने हल्का सा उसे स्प्रे दिया पहले कि जिससे वो मेरे पे स्प्रे ना करे। फिर यार मैंने स्मोक करा कि यार हमें जोन में भी तो जाना था, तो जोन से मैंने जब पहले स्मोक इस मारे करा जिससे कि मैं उस पर स्प्रे कर सकूँ इजीली। तो मैंने पहले इस पर स्प्रे करा एंड उन भाई साहब को लगता है एकदम ही डर, ड्राइव गेट इन करके तुरंत भग जाते हैं जैसे कि हम उन पर स्प्रे अप करेंगे नहीं। वो ऐसे सोच रहे हैं हम भाई नो बैंक की। एंड भाई स्कारल भाई मुझे तो बेस्ट गन लगती है यार, वैसे धोखा देती है बहुत बार स्कारल भी, इसलिए मेरी कोई फेवरेट गन है M416। यस ब्रो। सो यार आप लोग सोच रहे होंगे भाई साहब कुछ ज़्यादा ही खतरनाक स्प्रे करते हो आजकल, क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा, गलती से हो जाता है स्प्रे। एंड इन भाई साहब का मुझे नहीं पता गाड़ी से चिपक के क्यों रहते हैं बंदे। गाड़ी हमेशा 20 मीटर की दूरी से रहना चाहिए गाड़ी से, जिससे कि वो व्हीकल ब्लास्ट भी हो तब भी आपको डैमेज ना लगे। यहाँ तो बंदे पूरे पूरे मर जाते हैं। एंड भाई भाई सलमान भाई की मूवी देख के आ रहा है, गाड़ी से ही बंदे मारेगा और किसी से मारेगा ही नहीं। तो यार यहाँ पर मैंने थोड़ा सा होल्ड करा एंड उसके बाद गया मैं जोन, जोन चला गया। और यहाँ पर जो मेरा गेम भाई चिपक रहा था ना, बहुत ही गंदा चिपक रहा था यार। ऐसा तो होता है मेरे साथ कि चार्जिंग ना 10% हो ही जाती है, क्योंकि यार मेरे फ़ोन में चार्जिंग रुकती ही नहीं। एंड यहाँ स्प्रे दिख रहे हो बैरल का, कर 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 ऐसे निकल रही गोली बैरल से, वो भी यहाँ आप लोग समझ सकते हो यार कैसा गंदा वो हो रहा था लैग गेम। एंड यहाँ पर सामने बंदा था एंड यार भाई जब लैग हो रहा होता है ना गेम तब कुछ समझ नहीं आता कि क्या करें। तो यार मैं सोच रहा था स्मोक में जाके लेट जाऊँगा, लेकिन उससे पहले स्क्रीन रिकॉर्डिंग अपने आप क्लोज हो गई। एंड बाद में पता चलता है कि अब उनकी बन गई पेटी वहीं पर। एंड इस भाई साहब ने मेरे को मारा, इन भाई साहब की है 1 किल और हमें पॉइंट्स मिले 525 फिर से। लेकिन यार ऐसा नहीं है कि मैं किल्स करके वक्त चिकन डिनर नहीं लेता, लेता हूँ, लेकिन यार उस वक्त क्या होता है स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं कर पाता क्योंकि गेम यार लैग होता है, आपको सबको पता है। यूँ नहीं कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग के बिना लैग नहीं होता, होता है लेकिन इतना नहीं होता जितना रिकॉर्डिंग के वक्त होता है। एंड यहाँ देख लो 6 किल मेरी ऑलरेडी है। एंड यहाँ पर लास्ट बंदा ऊपर है जो चला रहा है बाइजन। एक तो यार बाइजन पता नहीं क्यों चलाते बंदे एंड के जोन में, लेकिन यार ये बंदा सेंटर लोकेशन होल्ड करके बैठा, ये देख रहे हो आप। एंड देखो तो भाई इन्हें पता नहीं क्या आया, इन्हें ये खुशी होगी कि H2 आ गए बहुत है, लेकिन मुझे खुशी इस बात की हुई कि मैंने रिकॉर्डिंग के वक्त चिकन डिनर ले लिया। अगर यार ये फुल मैच रिकॉर्ड होता ना तो सही कह रहा हूँ, मज़ा आया था मेरे को भी और आपको भी देखने में। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर गाइस यार चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड गाइस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। इसके साथ मिलेंगे अगली वीडियो में, बाय बाय।